लैमीज़ थ्योरम है कि अगर आपके पास तीन फोर्सेस हैं, तीन कंकरेंट फोर्सेस हैं, कंकरेंट का मतलब जो इकट्ठी लगती हैं, तीन कंकरेंट फोर्सेस हैं जो इकट्ठी एक ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, और वो ऑब्जेक्ट पी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और कैसे लग रही है, ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, और ये F3 वेक्टर। तो तीन फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रही हैं, मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। कोई लॉजिक नहीं है कि इधर ही क्यों, जैसे मर्जी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिस पे लग रही हैं, जिसको आप खींच रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, जीरो है, तो ये इक्विलिब्रियम है। तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट तीन फोर्सेस लगने के बावजूद भी मूव नहीं कर पाएगा। तो लैमीज़ थ्योरम कहती है कि इन फोर्सेस का रिलेशन ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, पहली फोर्स F1 डिवाइडेड बाय F2 और F3 के बीच में एंगल अल्फा है, डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू F2, सेकेंड फोर्स है F2, और बाकी जो दो फोर्सेस हैं वो है F1 और F3, तो F2 डिवाइडेड बाय इनके बीच में एंगल बीटा, तो डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गामा। तो ये इसका फॉर्मूला है, मतलब F1 को साइन ऑफ अल्फा से डिवाइड कर दो इक्वल टू F2 साइन ऑफ बीटा इक्वल टू F3 साइन ऑफ गामा। लिखने फॉर्मूला रजिस्टर में इसको डायग्राम के साथ एंटर कर लो, कल को देखनी पड़ जाए तो कम से कम फॉर्मूला तो एटलीस्ट पता हो कि लैमीज़ थ्योरम है क्या। तो लिख लो लैमीज़ थ्योरम में, ये डायग्राम बना लो और ये फॉर्मूला को नोट कर लो। कैसे अप्लाई करनी है अभी बताता हूँ, ये है क्या चीज़, ये किन क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करके क्वेश्चन को कैसे इजी बनाती है, इसको बताता हूँ। तो पहले आप नोट कर लें, और वैसे बता देता हूँ बस इस थ्योरम के बाद एक आध और टॉपिक है, फोर्स खत्म होने जा रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शन, इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है। तो पहले नोट कर लें फॉर्मूला रजिस्टर में, और डायग्राम जरूर बनाएं जब इसे नोट करें, ऐसे मत फॉर्मूला नोट करें, पता ही लगेगा F1 F2 F3 कुछ भी हो रहा है। और लिख देना ये जो जो ये डायग्राम है इसके ऊपर लिख देना कि ये जो पार्टिकल है ये किस में है, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। अगर ये मूव कर रहा है पार्टिकल तो ये बिल्कुल भी थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, ये तभी अप्लाई होगी जब पार्टिकल किस में होगा, इन इक्विलिब्रियम या रेस्ट पे होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं चाहिए इस पे। तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला तो आपने लिख लिया, प्रूफ तो 2 मिनट छोड़ दो, इधर इधर देखो, जैसे ऐसी प्रॉब्लम हमने पहले भी सॉल्व की हुई है, फिर से एक बार देखते हैं। मान लो ये पी पार्टिकल है, पी पार्टिकल का जो वेट है वो 60 न्यूटन है, और मैंने इस पी पार्टिकल को फोर्स लगाई टूवर्ड्स राइट 50 न्यूटन, और यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है, ये मूव नहीं कर रहा, बस ये रेस्ट पे है, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद वर्टिकल। तो स्ट्रिंग टाइट है, रस्सी टाइट होगी, रस्सी में क्या आ गई, टेंशन TNT। क्वेश्चन है ये इक्विलिब्रियम में, थीटा बताओ क्या होगा। मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है और मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई है कि जब भी आप टेंशन को टेढ़ा देखें XY प्लेन में, सबसे पहले टेंशन के क्या बना लें, कॉम्पोनेंट्स बना लें। तो आपने ऐसा ही किया, ये टेंशन है, ये थीटा, थीटा लिया, टेंशन का एक कॉम्पोनेंट लिया T cos थीटा, और एक क्या लिया, T
साइन थीटा, और फिर क्योंकि इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स यानी कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 60, और लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स यानी कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू 50। हमने ऐसे ही किया, दो इक्वेशन बनानी आ गई, लेफ्ट और राइट, ऊपर नीचे, इन्हें डिवाइड कर लो, टी से टी कैंसिल, टेन थीटा 5/6, थीटा टेन इनवर्स 5/6 आंसर आ गया। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। मैंने बिल्कुल लैमिस थ्योरम अप्लाई नहीं की, लेकिन काफ़ी किताबें ऐसे नहीं करती, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ और आप भी आई होप ऐसे ही करते हैं, काफ़ी किताबें ऐसे करती हैं, वो कहती है फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन बिना कॉम्पोनेंट्स के, सीधा लैमिस थ्योरम अप्लाई कर दो। कैसे? ये एक फोर्स है टी जिसके ऊपर एक्ट कर रही है, दूसरी फोर्स कितनी है 50, तीसरी फोर्स कितनी है 60, इनमें एंगल कितना है 90, ये थीटा थीटा, तो ये दो फोर्सेस में एंगल कितना है 180 प्लस थीटा, और ये स्ट्रेट लाइन है, और ये अगर थीटा तो 180 माइनस थीटा, एंगल्स आ गए। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, क्योंकि पी पार्टिकल रेस्ट पे है, तो अप्लाई करो लैमिस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम पहली फोर्स है टी, और टी के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है 90, तो क्या आएगा, करेक्शन करो, साइन ऑफ 90, तो टी डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, साइन ऑफ 90, ऐसे करेंगे ना, तो इस फोर्स के ऑपोजिट एंगल 90 है, तो टी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 इक्वल टू 50। बोलो 50 के ऑपोजिट वाला एंगल क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा कितना, 180 माइनस थीटा, तो 50 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। और तीसरी फोर्स कितनी है 60 के ऑपोजिट ये एंगल बनेगा कितना, 60 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो लगी लैमिस थ्योरम, तो इसके अंदर मुझे पता है कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो क्या आएगा साइन थीटा, और ये 90 है सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये 90 का क्या बनेगा कॉस, अगर तुम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो टेन थीटा सेम आंसर देगा। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो लैमिस थ्योरम से कर लें, आप चाहें तो कॉम्पोनेंट से कर लें, कितनों को कॉम्पोनेंट वाला पहला मेथड चलता है ठीक है, और कितनों को लैमिस ठीक है, क्या बात है, लैमिस वाले कम है, मेरे को वैसे फर्स्ट मेथड ज़्यादा ठीक है, तो मुझे प्रॉब्लम दोगे मैं तो बस टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, बस बात खत्म, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी आपकी मर्जी आप लगा सकते हो।